सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय गेमिंग चैनल लैंकोस गेमिंग। और गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गेम लूप प्लेयर्स के लिए, जो फ्री फायर अपनी गेम लूप में खेलते हैं, जिनके पास लो एंड पीसी है और वो हेडशॉट्स लगाना चाहते हैं, वन टैप या ड्रैग हेडशॉट, लेकिन उनसे लगता नहीं है। तो गाइस, आपके लिए तरीका क्या होगा कि आपका सेंसिटिविटी थोड़ा तेज हो और आपका हेडशॉट लगना शुरू हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू डू ड्रैग हेडशॉट या फिर हाउ टू डू वन टैप हेडशॉट इन फ्री फायर गेम लूप। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। तो गाइस जरूर बताना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस हम बहुत ही ज्यादा करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर करना। ठीक है गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गेम लूप ओपन कर लो और यहाँ पर गाइस जी मैंने गेम ओपन किया हुआ अपना, और पहले इसकी आपको मैं अभी एक और सेटिंग दिखाता हूँ। तो आपने आना है सबसे पहले गेम लूप ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल। ठीक है गाइस, कंट्रोल पैनल में आकर अपने सिस्टम के, तो यहाँ पर आपने लिखना है माउस। तो गाइस ये माउस यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपने आ जाना है पॉइंटर ऑप्शन पे। ठीक है गाइस, और जिसका माउस गाइस लो है, स्पीड उसकी ख़राब है, तो गाइस वो उसकी स्पीड यहाँ से बढ़ा सकता है, उसको यहाँ पर फास्ट कर देना या जितना भी थोड़ा सा। ये देखो गाइस, अब मेरा बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब मुझे सही है गाइस, अब ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, रोके। ठीक है, इसी तरह आपने चेक कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको क्रॉस कर देना और यहाँ पर दोबारा गेम लूप ओपन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, और अब गाइस हम जाते हैं ट्रेनिंग में और आपको मैं पूरी सेटिंग दिखाता हूँ कि किस तरह आपने करनी है। अभी यहाँ पर भी थोड़ी आपको मैं सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ कि क्या रखना है और अंदर जाके क्या तरीका आपने यूज़ करना है, क्या ट्रिक होगी कि जिस तरह आपका वन टैप हेडशॉट लग सकता है। तो गाइस सेंसिटिविटी मेरी आप देख सकते हो, पहले मैं आपको गेम लूप की सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ कितनी DPI रखी है। और यहाँ पर गाइस मेरा माउस जो है ज़रा फास्ट है, उसका सेंसिटिविटी बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखो गाइस ये DPI आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 120 रखा हुआ है, सबसे कम यहाँ पर गेम लूप की 120 आती है, तो यहाँ पर मैंने 120 से रख किया हुआ है। ठीक है गाइस, अगर आपका ख़राब माउस है या नॉर्मल माउस है तो गाइस आप अपना 160 या 240, अगर बहुत ही लो माउस है आपका तो मतलब 150-200 रुपये इतने वाला, तो 320 DPI यूज़ करना। ठीक है गाइस, आपको अब DPI का भी पता चल गया किस तरह सेट करनी है, तो अब यहाँ पर इसको आप सेव कर लेना, कुछ और यहाँ पर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये DPI सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पर आप जनरल दे सकते हो, मेरी 12 है क्योंकि इस पर भी मुझे काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल जाती है, तो मैं 12 यूज़ करता हूँ। अगर आपका भी गेमिंग माउस है तो 12 यूज़ करना, तो अगर आपके पास लो माउस है तो 50 या 65 उसके करीब यूज़ कर लेना। ठीक है गाइस, मैं अभी फ़िलहाल अपना 12 यूज़ कर रहा हूँ। और ये रेड डॉट वगैरह तो गाइस ये 80 के करीब रखना और ये 8 विलियम जितना आपको सही लगता है उतना कर लेना, इसका कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर गाइस कंट्रोल में देख सकते हो, ये इसका भी कोई इतना खास काम नहीं है। और पहले आपको ट्रेनिंग में जाकर बताता हूँ कि करना क्या है, किस तरह आपका हेडशॉट लग सकता है, कि वन टैप किस तरह लगाना है, आप किस तरह उसको ड्रैग करो ऊपर के वन टैप लग जाए या फिर ड्रैग हेडशॉट लग जाए। ठीक है गाइस, तो पहले ट्रेनिंग में जाकर आपको सारा तरीका बताता हूँ। और गई यहाँ पर हम ट्रेनिंग में आ चुके हैं, गई देख सकते हैं मेरी मूवमेंट कितनी अच्छी हो रही है, मैंने जैसे कि बताया था मेरी सेंसिटिविटी ठीक है। और यहाँ से पहले मैं गन्स खरीद लेता हूँ और ये ले लेता हूँ और यहाँ से लेता हूँ। गाइस अटैचमेंट नहीं लूँगा, अटैचमेंट के बगैर आपको बताऊँगा और देखना कितना अच्छा काम करेगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि 1000 के बहुत करीब है। ठीक है गाइस, और गाइस वन टैप आप किस तरह लगा सकते हो, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि इसमें आपको जितना भी लगेगा, जितना आप पावर लगा सकते हो ऊपर को खींचने में, उतनी ज़ोर से आपको ऊपर को खींच देना है। ठीक है गाइस, माउस को आप ज़रा अच्छा बड़ा माउस पैड ले लो या फिर जो भी है, आपको इसको जल्दी से इतना ज़ोर से ऊपर करना है। ठीक है गाइस, जितना ज़ोर से ऊपर करोगे उतना अच्छा वन टैप लगेगा। इस तरह गाइस आपने उसको ऊपर उठा देना है और ये जो M1887 है इसको भी आपने इसी तरह करना है कि ज़ोर से ऊपर को उठाना है। ठीक है गाइस, और गाइस ये थोड़ा कस्टमर सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले कंट्रोल्स में आना और यहाँ पर कस्टमर पर क्लिक करना, और ये गाइस ये जो आपका इधर ये फायर बटन है इसको गाइस इसका साइज़ आपका होगा 40, मेरे ख्याल से 40 होता है, एक 35 होता है, इतना ही होता है मेरे ख्याल से। और इसको आपने कर देना है 22 पे। ठीक है गाइस, इतना आपने सेट कर देना है।
और थोड़ा सा ऊपर को ले आना है और यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। अब दोबारा आप कस्टमर में आकर आप अपनी ये की मैपिंग ओपन करें। तो गाइस की मैपिंग ओपन करने के बाद ये जो फायर बटन है इसको आपने बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल दरमियान पे नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है गाइस। और अब यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। और अब मैं आपको इसका फुल स्क्रीन पे गेम फुल स्क्रीन पे सिखाता हूँ कि किस तरह करना है। तो गाइस आपने करना क्या है, आपने अब यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, समझाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो गाइस आपने करना क्या है, ये एम जो है थोड़ा सा इसके ये जो चेस्ट पर है इस पर रखना है आपको, अपना एम अच्छा करना पड़ेगा आपको, जो है इसके चेस्ट के करीब अपना एम रखना पड़ेगा और जल्दी से ऊपर को ड्रैग करना है और इस तरह आपका ड्रैग हेडशॉट लगेगा, ठीक है गाइस। ये आपका ये देखो गाइस, ये थोड़ा सा आपको दरमियान में रख कर और ऐसे ऊपर को खींचना, ठीक है। ये हेडशॉट कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये जो इसका M1887 है ये गाइस, इसका भी आपको किसी तरह करना है। आपको करना क्या है, अगर जंप करके करते हो फिर तो बहुत ही अच्छा गाइस, ये देखो कितना अच्छा हेडशॉट लगा है इस वक्त। और आपको इसको भी आपको बस ये गेम लूप में खेलने के लिए आपको बंदे पे फोकस होना चाहिए, ठीक है गाइस। बंदे पे जितना फोकस होगा उतना अच्छा हेडशॉट लगेगा। आपको उसके चेस्ट पे रखना है और इस तरह थोड़ा सा ऊपर को खींचना है, ठीक है गाइस। ये देखो झटका फुल जोर के ऊपर को झटका लगाना है और आपका हेडशॉट लगेगा, ठीक है गाइस। ये मिस हो गया मेरा, ये देखो गाइस। तो गाइस गेम लूप पे एक बार मैं बता दूं कि हर शॉट आपका हेड शॉट नहीं लगेगा। आपका हो गया ये हेड शॉट क्यों नहीं लगा भाई, ये भी नहीं लगा। तो गाइस हर बार नहीं लगता क्योंकि गेम लूप बनाए सिर्फ पबजी के लिए। ज़्यादातर मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि ये पबजी के लिए बेस्ट सिमुलेटर है, लेकिन फ्री फायर के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके पास अच्छा पीस है तो गाइस इसे चेंज कर लीजिएगा, अगर आपके पास नॉर्मल पीसी पड़ा हुआ है, ठीक है गाइस। तो अगर लो एंड पीसी है फिर तो आप इसी पर खेल सकते हो, तो इसका कोई हाल ही नहीं है। तो गाइस ये जो डेजर्ट ईगल का हेडशॉट है ये भी आपको कुछ इसी तरह, ये देखो गाइस इस तरह आपको ये फुल जान से ऊपर को खींच देना है और ये हेडशॉट लग जाएगा। ये देखो गाइस कितना अच्छा हेडशॉट लग रहा है। और ये ड्रैग हेडशॉट ये तो कमाल का लगता है गाइस गेम लूप पे। तो इस तरह गाइस आप अपने गेम लूप में वन टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट लगा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना गाइस, बार बार मैंने कहा लाइक करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा फीडबैक देना। तो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।